इसमें इसमें क्या क्या डाल रही हूँ? ये पालक है, देखिए ये पालक दाल को एक तसते रहिए, शेयर करते रहिए पूरा। बाय, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। हेलो, कैसे हैं सब? स्वस्थ है, मस्त है? सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो अभी तो मौसम हर जगह थोड़ा ज़्यादा कुहासा है, थोड़ी ठंड है, लेकिन ये साउथ है, इस पर ठंड इतना नहीं है। अब देख रहे हैं, मतलब हम यहाँ जो रह रहे हैं उनके लिए है, लेकिन जो दिल्ली से, बिहार से जो आएंगे, पंजाब से, हरियाणा से, उन लोग के लिए कोई ठंड नहीं है, लेकिन यहाँ के हम लोग के लिए ठंड है। और क्लाइमेट चेंज होता है तो सबको खांसी जुकाम ये सब थोड़ा अभी होता है, मतलब मुझे जैसे 3-4 दिन से है, और मेरी पोती को भी है, रात को भी उसको दिखा के लाए, आज स्कूल नहीं गई है। तो अभी मैं सोच रही क्या क्या बनाऊँ। तो आज बनाऊँगी थोड़ा सा प्याजी डोसा, मतलब थोड़ा हरियाली उसमें डालूँगी, थोड़ा अलग अलग चीज़, और डोसा बनाती हूँ। फिर उसके बाद आज सोच रही हूँ, गांव में बोलते हैं दलसग्गा, ये ठंड के मौसम में ना पालक, गांव में एकदम ताज़ा ताज़ा पालक आता था खेत से, और उसको बनाते थे डाल के, तो उड़द के दाल में बनाते थे, लेकिन ये लोग उड़द के दाल में खाएंगे नहीं, तो हम मसूर के दाल में बनाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं सब कुछ क्या क्या हम कर रहे हैं आज, वो सब दिखाएंगे। छोटा सा वीडियो आप लोग देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब करिए, शेयर करिए। तो आज एक अलग तरह के डोसा बनाएंगे अभी। ऐसे तो हम अपना कुछ भी मिलता हम खा लेते, लेकिन हम सोचते हैं थोड़ा कुछ अलग चीज़ बनाएं, कुछ अलग चीज़ दिखाएं आपको। देखिए डोसा बना रहे हैं, इसमें थोड़े पालक को छोटा छोटा काट दिए, एकदम बारीक कट दिए, और धनिया पत्ता और थोड़ी सी हरी मिर्च। और देखिए प्याज भी थोड़ा डाल दे रहे हैं इस पर, सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं। और देखिए इसको ना ऐसे, देखिए कितना अच्छा बन गया। तो ऐसे ही दो बनाएंगे अपने लिए। नया आज डोसा बनाया है, अलग अलग स्वाद के खाना चाहिए। आज मैंने इसमें धनिया पत्ता, पालक सब डाल दिया। तो आप लोग भी खाइए, टेस्ट करिए टमाटर की चटनी। अभी इसके बाद बनाएंगे दलसग्गा। नाश्ता करके पालक धो के रख लिए हैं, नाश्ता करने के बाद पालक काटेंगे, बनाएंगे, दाल धोएंगे, दाल को धो के रख लिए। तो देखिए अभी दाल को मैं धो के घंटा पहले रख दी थी, भिगा दी थी, और अभी देखिए दलसग्गा बनाने जा रही हूँ। दलसग्गा तो इसमें इसमें क्या क्या डाल रही हूँ, ये पालक है ना, पालक को धो के अच्छे से धो दिया इसको, इसको हम गांव में दलसग्गा बोलते हैं। तो ये ना पालक को छोटा छोटा एकदम बारीक काट के, ये डाल दिए, और इसमें ये हरी मिर्च डाल दिए, और ये देखिए
प्याज काट के डाल दिए और चार पांच कलियां लहसुन के डाल दिए, ये देखिए, और एक टमाटर काट के ये डाल दे रहे हैं। और इसमें एक और चीज अच्छा डालूंगी, अभी देखिए नहीं हूँ, इसमें मसाला नहीं क्योंकि मिर्ची पाउडर, मिर्ची डाल दी हूँ इसलिए मिर्ची पाउडर, नमक है, ये देखिए नमक, ये नमक तो स्वाद के अनुसार डालिए, पालक है ना सहन नहीं करता है ज्यादा नमक। और एक इंटीरियर एक और डालूंगी अच्छा चीज, देखिए धनिया पत्ता, इसको ये देखिए धनिया पत्ता को काट काट के इसमें स्वाद बढ़ा देगा, क्या दाल बनेगा मस्त। हमको कैंची से मिर्ची धनिया पत्ता है सब काटने में इजी लगता है। और एक चीज डालूंगी अदरक, अदरक को गांव में ना कूट के डालते हैं, देखिए यार थोड़ा थोड़ा ठंडा है तो कंबल स्वेटर नहीं पहनी हूँ आजकल से और कंबल को लपेटी हूँ, तो अदरक को कूट के डालूंगी ऐसे ऐसे कूट के। गांव में देखती थी कि सिलबट्टे पे कूट के ना, और मेरी दादी ऐसे करके डाल देती थी लहसुन और ये। और अब इसको क्या करेंगे, ये देखिए गैस जला देंगे और इसमें लगा दूंगी ढक्कन और ये बन जाएगा, ये देखिए हमारा काम ऐसे ही होता है। ये बंद कर दिया, एक सीटी तेज में आएगा, फिर कम कर देंगे गैस, फिर दो सीटी और आएगा, बंद कर देंगे, बढ़िया सा हो जाएगा दाल, फिर दिखाती हूँ हो जाएगा तो। ये देखिए एक सीटी आया, इसको कम कर दिए, अब दो सीटी और आएगा तो इसको बंद कर देंगे। ये देखिए सामान सब आया है डी मार्ट से और अभी सब रखाएगा, तो ये सब ये डाइनिंग टेबल होता है ना बहुत काम का चीज होता है समझे, इस पर ना खाना भी आदमी खाता है और उससे ज्यादा ना इस पर सामान रखाता है। जो भी चीज आता है खरीदा के। ये देखिए सूर्या का बहुत टेस्टी होता है मसाला, ये है चिकन मसाला, लेकिन समझे एक बात बताते हैं, इसको अगर आप ना सब्जी में भी डालेंगे ना थोड़ा सा ये मसाला, तो बहुत टेस्टी बनता है इससे, ये सूर्या मसाला बहुत अच्छा होता है, तो आपको एक राज बता दे रहे हैं। यहाँ का आंध्रा का ये है शायद सूर्या मसाला, तो यही मिलता है। और ये सब दाल उल है, कोई उड़द दाल होगा, कोई अरहर दाल होगा, कोई मसूर दाल होगा, कोई नहीं ये मूंग दाल है, इधर ये मूंग दाल है और क्या क्या है मुझे नहीं पता, अंदर में छुपा हुआ है सब, तो ये सब रखाएगा। अभी पहले बैग में था, बैग से इसमें ट्रांसफर हुआ, अब इसमें से जाएगा, अब सब जगह डब्बा डुब्बी में जाएगा, तो हम ऐसे ही दिखाते रहेंगे आपको। चलिए ये देखिए दो सीटी आ गया कम पर, तो अब इसको बंद कर दे रहे हैं, ये देखिए अभी ठंडा होगा तो आपको दिखाएंगे ठंडा होने के बाद। टेक्निक बहुत अच्छा हो गया है हर चीज गर्म करने के लिए, देखिए अभी थोड़ी ठंडी है कफ है, तो इसमें पानी गर्म करते हैं, पानी रख दिए और गर्म कर दिए, सुसुम पी लीजिए, जब पीना हो तो गर्म करके पी लीजिए। ये कितने सारे आए गए, लेकिन ठंडी में तो लाना ही पड़ता है, कभी खाना भी बनाते हैं ना जैसे दाल में पानी थोड़ा मिलाना हो तो भी इसमें खोला सकते हैं, या कुछ सब्जी में डालते हैं गर्म पानी तो भी। देखिए अभी हम पीने के लिए दवाई खाएंगे, नाश्ता वास्ता तो हो गया है, तो सुसुम हो गया, देखिए इसको हम बंद कर दिए, ये स्विच ऑफ कर देना चाहिए, फिर देखिए पानी गर्म,
ये देखिए सुसुम हो गया, सुसुम पानी। चलिए अब दवाई खाते हैं। टेक्निक बहुत अच्छा हो गया है हर चीज़ गर्म करने के लिए। देखिए अभी थोड़ी ठंडी है, कफ है, तो इसमें पानी गर्म करते हैं। पानी रख दिए और गर्म कर दिए, सुसुम पी लीजिए। जब पीना हो तो गर्म करके पी लीजिए। ये कितने सारे आए गए, लेकिन ठंडी में तो लाना ही पड़ता है। कभी खाना भी बनाते हैं ना, जैसे दाल में पानी थोड़ा मिलाना हो तो भी इसमें खोला सकते हैं, या कुछ सब्जी में डालते हैं गर्म पानी तो भी। देखिए अभी हम पीने के लिए दवाई खाएंगे। नाश्ता वास्ता तो हो गया है, तो सुसुम हो गया। देखिए इसको हम बंद कर दिए, ये स्विच ऑफ कर देना चाहिए। फिर देखिए पानी गर्म, ये देखिए सुसुम हो गया, सुसुम पानी। चलिए अब दवाई खाते हैं। ओ ये कितना सुंदर दाल बन गया, पालक। हम लोग बोलते हैं दलसग्गा, इसमें पालक डाल के बनाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं दलसग्गा। ये देखिए कितना बढ़िया बन गया है। और भी तड़का मार दी हूँ लहसुन और जीरा से। देखिए कितना बढ़िया हो गया। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है भाई। हम ऐसे नए नए दिखाते रहेंगे और आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए पूरा। बाय, अगले ब्लॉग में मिलेंगे।